हनी सिंह के एक धमाकेदार कमबैक का फैंस एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ब्लूटूथ स्टार के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हनी सिंह एक बार फिर से 9 साल बाद कमबैक की तैयारी में है। हनी सिंह ने हमेशा अपने सॉन्ग से अपने फैंस को एंटरटेन किया है। उन्होंने कई तरह के गाने गाए हैं, जैसे ब्राउन रंग, देसी कलाकार, ब्लू आइज जैसे कई ब्लॉकबस्टर गाने दिए जो आज भी पार्टीज में बजाए जाते हैं। लेकिन आज के समय में जैसे वो गायब ही हो गए थे और अब फिर से एक बार वो अपने सॉन्ग से धूम मचाने की तैयारी में है। हनी सिंह एक बार फिर से 2014 में बनाए गए अपने गाने देसी कलाकार का रीमेक करने की तैयारी में है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा उनका साथ देती हुई नजर आएंगी। और इसी के चलते हनी सिंह ने अपने गाने का टीजर भी रिलीज कर दिया है। हनी सिंह और सोनाक्षी सिन्हा ने यह 2014 में देसी कलाकार गाने में साथ काम किया था, जिसमें उनकी जोड़ी फैंस को काफ़ी पसंद आई थी। हनी सिंह ने अपनी आवाज़ से और सोनाक्षी सिन्हा ने अपने स्वैग से इस गाने को यादगार बना दिया था। 9 साल पहले रिलीज हुए इस सॉन्ग को यूट्यूब पर 155 मिलियन व्यूज मिले थे और अब एक बार फिर से उसी स्वैग के साथ हनी सिंह अपने फैंस का दिल जीतने की तैयारी में है। और इनके काला स्टार सॉन्ग का टीजर भी रिलीज हो चुका है, जिसमें हनी सिंह जेल से छूटने के बाद डायरेक्टर सोनाक्षी को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका दोस्त उन्हें बताता है कि उनकी शादी हो चुकी है। और इसके अलावा टीजर के एंड में सोनाक्षी सिन्हा हनी सिंह के सर पर बंदूक लगाए नजर आ रही है। हनी सिंह के इस टीजर को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहे हैं। हनी सिंह द्वारा इंस्टाग्राम पर भी इस टीजर को शेयर किया है, जिस पर कमेंट्स में फैंस ने काफी प्यार दिया है। फैंस कमेंट्स में लिखते हैं कि अब इतिहास दोबारा रिपीट होने जा रहा है। यूट्यूबर उनके इस टीजर को अब तक 30 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।